हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से कतर का दो लेटेस्ट बिग अपडेट लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो इनमें से जो फर्स्ट अपडेट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके रिगार्डिंग हम लोग को, जो लोग अभी इंडिया में फंसे हुए हैं, नॉट ओनली वर्कर लोग, फैमिली वीजा लोग को भी इससे फायदा हो सकता है। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो दो अपडेट ही आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कि आप लोगों का वहाँ पे जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से जो फर्स्ट अपडेट आया हुआ है, द फर्स्ट बैच ऑफ कोरोनावायरस वैक्सीन डेवलप्ड बाय फाइजर एंड बायोएनटेक विल अराइव इन कतर बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर। मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो बायोएनटेक एंड फाइजर कंपनी जो कोरोनावायरस का वैक्सीन ऑलरेडी निकाल चुका है, उनको कतर ने परमिशन दे दिया है और वो जो वैक्सीन है वो कतर में दिसंबर का एंड तक आ जाएगा। ओके, इससे पहले यूके, सऊदी अरब, बारिन ने भी ये कंपनी का वैक्सीन को ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है। डॉक्टर अब्दुल वहाब अल मुसेल, द एडवाइजर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ फॉर स्पोर्ट्स एंड इमरजेंसी अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जो लोग अभी कतर में क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं और जो लोग अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, मतलब जो लोग अभी फ्रंट लाइन में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा ये वैक्सीनेशन के लिए। ओके, उसके बाद जनवरी मंथ से, उसके बाद कंटिन्यूसली जो जनरल लोग हैं, जो कतर में वर्कर लोग हैं या तो फिर अदर नेशनल्स है, उन लोगों को वैक्सीनेशन वन बाय वन दिया जाएगा। जी हाँ, ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग समझ ही सक रहे हैं कतर में वैक्सीन आ गया, मतलब हम लोग का जो भी रेस्ट्रिक्शन था, ये अभी नहीं खुल रहा है, वो अभी नहीं खुल रहा है, इसका मुश्किल भी अभी सॉल्व होने वाला है। मगर हाँ, उन्होंने ये भी कहा है, वैक्सीनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ एयरक्राफ्ट, स्टेडियम एंड होटल, माइट बी देयर इज रिक्वायर्ड द प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन। मतलब आप लोगों को वहां पर घुसने के लिए स्टेडियम में या तो फिर एयरक्राफ्ट में, होटल में घुसने के लिए वैक्सीनेशन का मैंडेटरी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपका सिर्फ इम्यूनिटी सही है, इसका प्रूफ आपके पास होने से ही सिर्फ चलेगा। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ये कतर गवर्नमेंट की तरफ से कल को किया गया है, तो ये एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब बटन का साइड में देखिए एक बेल बटन है, उसको क्लिक करके उसमें ऑल में सिलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको टोटल नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। द पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी इज कोऑपरेटिंग विद कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, मतलब कड़ामा के साथ इन्होंने भी ये कैलकुलेट किया है कि जो कतर में वेस्ट वाटर डिस्पोजल सर्विस फी है, इसको 20% मंथली इंक्रीज कर दिया जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं हम लोगों को तो ये बिल नहीं देना पड़ता जो वर्कर लोग हैं, मगर हाँ, सबको ये बिल देना पड़ता है। जो रूम रेंट होता है उसी के साथ सब कुछ इंक्लूड होता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो रूम रेंट है वो भी कुछ बनने वाला है, और कतरी जो नेशनल्स है इनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता है, सिर्फ जो बाहर का नेशनल्स है उन्हीं लोगों का ऊपर ये रूल लागू होगा। और हाँ, ये जो सर्विस है, ये फीस फरवरी 2021 से ये फीस को लागू कर दिया जाएगा। ओके, तो यही दो बिग अपडेट मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।